अगर गोल गुंबस और इब्राहिम रोजा के बाद अगर कहीं जाना हो तो बारा कमान है। बारा कमान की जो मरम्मत है वो मुकम्मल नहीं हो पाई और इसकी जो खूबसूरती है उसके मुकम्मल ना होने की वजह है। बारा कमान जो है 1672 में बनाया गया था और उस वक्त बिना किसी पिलर के सपोर्ट के। माशाल्लाह जो आइडिया, जो क्रिएटिविटी आर्किटेक्चर किया है, माशाल्लाह बहुत बढ़िया है। अब और बारा कमान में जो मज़ार हैं वो अली आदिल शाह सेकेंड और उनके बेगम चांद बीबी और उनके बेटी, उनके मज़ार यहाँ पे हैं। चलिए हम दिखाते हैं। इस जगह का नाम जो है उपली बुर्ज है, इसको हैदर बुर्ज भी कहा जाता है, लेकिन असल नाम जो है इसका उपली बुर्ज है। ये हैदर खान ने कंस्ट्रक्ट किया था 1584 में। इसकी हाइट जो है 80 फुट है, यानी कि 24 मीटर तक इसका हाइट आ जाता है। इसका जो है एक्चुअल जो काम था, जो पर्पस बनाने का था, जो बीजापुर सिटी का कमांडिंग व्यू था। ये यहाँ पे आप देख सकते हैं दो कैनन गन्स रखे हुए हैं। ऊपर आने के लिए जो है यहाँ पे सीढ़ियाँ हैं पत्थर के, और आप देख सकते हैं कि सारा बीजापुर शहर का व्यू आपको दिख रहा है। माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है।
मज़ेदार घोड़ा गाड़ी सवारी के बाद मलिके बदन पहुँच ही गए। और एक बात मलिके बदन की खासियत जो है वो कैनन है। कैनन का ही नाम मलिके बदन रखा गया है, किस लिए? क्योंकि इसका वेट जो है 50.5 टन है और इंडिया का लार्जेस्ट कैनन, इंडिया में सबसे लार्जेस्ट कैनन यही है। इसका नाम जो है मलिके मैदान है और ये कैनन जो है 1549 में इसको बनाया गया था और इसका डिज़ाइन जो है एक टर्किश इंजीनियर मोहम्मद बिन हुसैन रूमी ने किया था। और ये कैनन जो है सुल्तान ने अपने दामाद को तोहफे में दिया था, सुल्तान अली आदिल शाह को तोहफे में दिया था। और 1565 में और ये मलिके मैदान यानी कि इस कैनन का इस्तेमाल किया गया था जंग में और वो जंग का नाम था बैटल ऑफ तालिक कोता। तो अराउंड 1565 में जो है सुल्तान अली आदिल शाह ने इस कैनन को इस्तेमाल किया अलिया रामा राय को हमला करने के लिए। और जब उन्होंने जीत हासिल की तो उस कैनन का नाम मलिके मैदान रखा गया था। तो उस जंग के बाद कुछ 60 साल तक उसको कैनन का इस्तेमाल नहीं हुआ तो उसको ट्रांसफ़र कर दिया गया, कहाँ से? बीजापुर से अहमदनगर के सल्तनत को ट्रांसफ़र कर दिया गया। तो उसके बाद 1624 में जो है प्राइम मिनिस्टर मलिक अंबर थे, जहाँ अहमदनगर सल्तनत के प्राइम मिनिस्टर मलिक अंबर ने भारतीयों की वजह से जो है शोलापुर भेजा गया, तो वहाँ से फिर बीजापुर में रखा गया। इब्राहिम रज़ा माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है। यहाँ पे जो है इब्राहिम आदिल शाह सेकेंड और उनकी बेगम ताज सुल्ताना का जब दखल हुआ तो यहीं पे उनकी मज़ार बनाई गई थी। और ये जो है 1627 में बनाया गया था इब्राहिम रज़ा। वो इसका डिज़ाइन माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है और ये जो है पर्शियन जो आर्किटेक्चर इंजीनियर है ना तो उसने डिज़ाइन किया था। तो उनका नाम मलिक संदल है, जहाँ पे बहुत ही खूबसूरत तरीके से कुरान की आयतें दीवार पे लिखी गए हैं। और जो है तुम जो है वो लोटस पेडल बेस जो रहता है ना तो उस पर रेफरेंस बेस किया गया है। और कहा जाता है कि एक क्रिएटिवनेस है जहाँ पे ताजमहल से इम्प्रेसिव होकर बनाया हुआ है। Thank you.
सड़क के पार एक मैदान है, मैं वहां मिलूंगा।